दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली एसबीआई ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए पीओ के लिए रिक्वायरमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। तो आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कितने नोटिफिकेशन हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है। तो उससे पहले हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो क्योंकि यहाँ पे मैं डेली गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर अप्लाई ऑनलाइन 21/4/2018 2/13/5/2018। तो ये फेक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, एसबीआई ने फाइनली पीओ के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट पे यहाँ पे हम डाउनलोड करके ऑलरेडी रखे हुए एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो एसबीआई का टोटल वैकेंसी पहले देखते हैं कि कितना है। तो जो टोटल वैकेंसी है वो एससी के लिए 300 है, एसटी के लिए 150 है, ओबीसी के लिए 540, जनरल के लिए 1010। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 2000 वैकेंसी है इस साल। तो हम लोग कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे थे कि कुछ ज़्यादा वैकेंसी रिलीज करेगा, बट एसबीआई ने रिलीज किया 2000 वैकेंसी, बट कुछ नहीं तो कुछ वैकेंसी आई है। तो इसमें आपके लिए एक ही सीट बहुत ही काफ़ी होता है आपको जॉब पाने के लिए, और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है एसबीआई में। एसबीआई में लेवल अच्छी होती है, तो आप अभी से मेहनत में लग जाएं। और मैं डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो जो एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन का स्टार्ट डेट होगा वो होगा 21/4 से लेके 30/5/2018 तक। पेमेंट होगा 21/4 से 13/5/2018 तक। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन प्रीलिम एग्जाम ये होगा 18/6/2018 से बाद। तो जो प्रीलिम एग्जाम होगा, ऑनलाइन प्रीलिम एग्जाम होगा, वो होगा 1/7/8 ऑफ जुलाई। तो जुलाई 2018 में इसका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट जो आएगा प्रीलिमिनरी एग्जाम का होगा आएगा 15/7/2018 तक। और डाउनलोड कॉल लेटर करना है आपको, जो मेन एग्ज़ाम में आप जो के लिए जाएंगे प्रीलिम एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, वो 20 तारीख से करेंगे। और कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम होगा वो 4/8/2018 से होगा। तो इंटरव्यू होगा 1/9 और ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू 24/12/10। क्योंकि इसमें जीडी भी होता है, तो ये इसके लिए एसबीआई को मैं जॉब पाने के लिए। तो रिजल्ट जो फाइनली आएगा वो अराउंड 1/11 मीन्स नवंबर के अराउंड ये आएगा। तो एक लगभग 2019 तक अलॉटमेंट होगा कि जो भी क्लियर करेंगे उसको जॉब में 2019 तक मिला जाएगा। तो बात करते हैं सेकंड एज लिमिट क्राइटेरिया का। तो जैसे कि बैंक में एज लिमिट का होता है वो 21 से लेकर 30 ईयर्स तक होता है, जो कि 1/4/2018 को काउंट किया जाएगा। मीन्स 1/4/1997 नॉट लेस देन 1/4/1997 नॉट लेस देन 2/4/1988। तो जैसे कि एक सारे कैटेगरी में छूट मिलती है वो एससी एसटी के लिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम आपको ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें कोई अलग से कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं मांगता है। आपको सिंपली कोई भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये बेसिक है जो सारे लोग फुल फिल करते हैं। आप एग्जामिनेशन को अप्लाई करने से, आप एक फॉर्म को फिल करने से पहले आप पूरे नोटिफिकेशन को एक बार शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को पता है कि दो एग्जामिनेशन, सबसे पहले प्रीलिम एग्ज़ाम होता है एग्जामिनेशन में, उसके बाद जीडी होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये सारे मार्क मिल करके कट ऑफ मार्क्स से निकलेगा। तो सबसे पहला सिलेक्शन का जो प्रोसेस है कि द सिलेक्शन ऑफ द प्रोफेशनल ऑफिसर विल बी डन थ्रू ए 3-टायर प्रोसेस। फर्स्ट टायर क्या होगा? प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्ट ऑनलाइन। द टेस्ट विल हैव 3 सेक्शन विल सेपरेट टाइमलाइन फॉर इच सेक्शन। यहाँ पे अलग अलग टाइमलाइन दिया गया है। इंग्लिश के लिए
30 क्वेश्चन आएगा 20 मिनट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 20 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 20 मिनट 1 आवर। सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ मेन एग्जाम, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेटेड मार्क स्कोर इन द प्रीलिम एग्जामिनेशन। कैंडिडेट नंबर अप्रोक्सिमेटली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ द वैकेंसी इन ईच कैटेगरी विल बी द शॉर्ट लिस्टेड मेन एग्जामिनेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट। तो जो भी प्रीलिम एग्जाम में जो मेन एग्जाम में बुलाया जाता है वो 10 टाइम्स ऑफ द, तो 2000 वीप सीट है तो 20,000 स्टूडेंट को मेन एग्जाम में बुलाया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, कट ऑफ निकला जाएगा हर एक कैटेगरी वाइज का। उसमें जो एलिजिबल हो गए जो पास करेंगे उनको मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर मेन एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा जिसमें 4 सेक्शन हो गए और द ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन एंड टोटल 200 मार्क्स। द ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल हैव द सेपरेट टाइम फॉर ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन का आपको अलग अलग टाइम मिलेगा। यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड को 45 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट मिलेगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 35 क्वेश्चन को 45 मिनट मिलेगा, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन को के लिए 35 मिनट मिलेगा और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 40 मिनट मिलेगा। तो ये बेसिकली उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट का हो, इसमें ऐसे और लेटर राइटिंग के लिए लिखा जाता है। आपको याद रहे कि आप एक भी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसमें रॉन्ग आंसर का पेनल्टी लगता है, तो इसको दिमाग में ध्यान में रख के तैयारी करें। और फी की बात करते हैं तो जैसा कि बैंकिंग का फी है 600 के लिए जनरल और ओबीसी के लिए और दी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 100 रुपीज़। तो ये बेसिक था कि आप अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए आप वेबसाइट पर जाएं और जैसे यहाँ पे विंडो खोलेगा, यहाँ पे पहले नया रजिस्ट्रेशन करें। मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना, मैं उसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा ताकि आप कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये नोटिफिकेशन को आप शुरू से अंत तक पढ़िए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, कोई समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, और आज से आपको बेस्ट ऑफ लक, आप गवर्नमेंट जॉब पा लें। थैंक यू, धन्यवाद।